नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है। पायलट ने अपने पत्र में सवाई माधोपुर टोंक एवं अजमेर रूट पर नई रेल लाइन की मांग की है। सचिन पायलट ने अपने पत्र में लिखा है कि लंबित परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा मिल सके, क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा 2013-14 के बजट में 165 किलोमीटर रेल की अजमेर नसीराबाद बघेरा टोडरायसर टोंक सवाई माधोपुर रेल परियोजना स्वीकृत की गई थी, जिसके सर्वे टीम ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, लेकिन परियोजना का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए 100 करोड़ रुपए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राजस्थान के अजमेर टोंक चौथ का बरवाड़ा रेल परियोजना के लिए रेल बजट में 100 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। टोंक और रेल की मांग का सिलसिला आज़ादी के बाद से चलता आ रहा था और हर लोकसभा व विधानसभा चुनाव में रेल चुनावी मुद्दा बनता था, लेकिन रेल का सपना पूरा होने में आज़ादी के बाद से 77 साल लग गए। अब 2024 के अंतरिम बजट में रेल को लेकर घोषणा हुई है तो जनता में जश्न का माहौल है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री की गारंटी दी है। टोंक को रेल से जोड़ने की दिशा में रेल मंत्री ने 100 करोड़ 1 लाख की राशि दी है। अब टोंक के रेल से जुड़ने का सपना साकार होगा। 165 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, वहाँ रेल लाओ, जहाँ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने कहा है कि हमने रेल को लेकर सड़क से लेकर हर मोर्चे पर संघर्ष किया था और आज टोंक का रेल का सपना पूरा हुआ है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जौनपुरिया के साथ सचिन पायलट और टोंक की जनता का बहुत बहुत आभार भी जताया। आपको हम बता दें कि अजमेर टोंक और चौथा बरवाड़ा रेलवे लाइन अलाइनमेंट का सर्वे पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब जल्द ही अजमेर टोंक और चौथा बरवाड़ा की 165 किलोमीटर की रेल लाइन का कार्य शुरू होगा। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।